हेलो, आपने कॉल की थी मुझे? जी बिल्कुल, हालत जान को आज फिर बुखार हो गया है। क्या कहा आपने? अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जी ठीक है। मेरे बेटे को फिर से बुखार हो गया। आज मैं अपनी दोस्तों से मिलने जाऊंगी, इसलिए मसाज नहीं लूंगी, तो मना कर दूं उन्हें। जी ठीक है। हेलो कोमल साहिबा, मैं जमाल बात कर रहा हूँ। हाँ कहो जमाल। क्या हंदान साहिबा आपके साथ हैं? नहीं तो क्या आज आपकी उनसे बात हुई थी? नहीं जमाल, हमारी कोई बात नहीं हुई, सब खैरियत तो है। कोमल साहिबा, मैं आपको उदास नहीं करना चाहता। जमाल हुआ क्या है? आप जानती हैं ना कि हंदान साहिबा एक शख्स से मिली थी। हाँ। वो शख्स एक धोखेबाज निकला, उसने धोखे से हंदान साहिबा की सारी दौलत हथिया ली। क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने उसे पूरा इख्तियार दिया हुआ था। जब हंदान साहिबा ने ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका कहना है कि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगी। कहाँ है वो इस वक्त? कोमल साहिबा, यही तो बस फिक्र की बात है। उनको हर जगह तलाश कर लिया मगर मालूम नहीं कि वो कहाँ है। उन्हें अकेला क्यों छोड़ा तुमने? मैं बाहर कुछ दवाइयाँ लेने गया मगर जब मैं वापस आया तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। अल्लाह गारत करे। ठीक है, तुम वहाँ जाकर ढूंढो जहाँ वो जा सकती हैं। मैं उनकी दोस्तों से बात करती हूँ, तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है कोमल साहिबा। काम हो गया। हेलो जुनेद, इसे संभालो सर। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, हाले जान को फिर से बुखार हो गया है। ओह वाकई, अब उसकी तबीयत कैसी है? मुझे नहीं मालूम, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत परेशान हो गई हूँ। फिक्र मत करो, वो भी ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तुम कहाँ हो, घर जा रही हो क्या? नहीं, अभी तो मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैं अपनी गाड़ी से बैग ले रही हूँ और जुनेद के साथ जा रही हूँ। दुआन, सुन रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। डॉक्टर के पास जाके कॉल करूंगी। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हंदान किसी के साथ चली गई है? नहीं, उनकी जिंदगी में तो कोई भी नहीं है। तो क्या तुम उसका पीछा नहीं कर रहे थे? सर, हमने उनका पीछा करना छोड़ दिया था। अगर उनके पीछे कोई होता तो हमें मालूम होता। जाहिर है कोई तो है। हमें अब हर हाल में हंदान को तलाश करना होगा। किसी नामालूम आदमी ने उसे धोखा दिया और अब हंदान गायब है। मुराद, तुम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ। गौर से सुनो। जी बिल्कुल सर। अपने साथ दो भरोसेमंद आदमी लो और जाओ हंदान को ढूंढ कर लाओ। फोन ट्रैक करके किसी भी तरीके से पता लगाओ। ठीक है? ठीक है सर। शाबाश मेरी जान, शाबाश। सब हो गया ठीक है, इसे ठीक कर लेती हूँ अम्मी की जान। मेरा फोन बज रहा है जुनेद, इसे देखो। जाओ जाओ। चलो जरा मुझे बताओ इसमें रैबिट कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। हेलो यल्दिस, कैसी हो? परेशान लग रही हो तुम। कैसे परेशान ना हूँ, उसका ब्लड ले रही थी, टेस्ट के लिए दिया है, पता नहीं क्या होगा। बहुत परेशान हूँ मैं। फिक्र मत करो यल्दिस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जहाँ भी हो मुझे बताओ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, उलूस हॉस्पिटल में आ जाए। ठीक है मेरी जान, मैं बस अभी आया। यल्दिस, दुआन ठीक हो ना तुम? जुनेद, क्या हुआ उसे? क्या हुआ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर गए थे, अब टोमोग्राफी भी हो रही है, मेरा तो दिल बंद हो रहा है। परेशानी की कोई बात नहीं है, ये सब डॉक्टर्स अपनी तसल्ली के लिए करते हैं। हालत जान को कुछ नहीं हो। इंशाल्लाह। ये कैसे हो सकता है, क्या कह रहे हो तुम जमाल? नहीं, बाबा ने भी अभी तक कुछ नहीं बताया। ठीक है मुझे बताते रहना तुम। कोमल, कुछ मसला हुआ है क्या? हाँ, अम्मी गायब हो गई। ये क्या कह रही हो, कहीं मुल्क छोड़ के तो नहीं चली गई? नहीं, वो कहीं पर नहीं गई और सुबह से उनसे राब्ता भी नहीं हो रहा। किसी ने नहीं देखा उन्हें, किसी को भी नहीं पता कहाँ है। लेकिन कैसे? आसमा साहिबा, मुझे अपने सवालों से परेशान ना करें और जाएं यहाँ से। अच्छा ठीक है। कहाँ जा सकती हैं, आखिर कहाँ? अम्मी की कॉल है। हाँ बात कर लो। अम्मी। यल्दिस कहाँ हो तुम? कोमल से बात करके आ रही हूँ मैं। अम्मी फिलहाल छोड़ें कोमल को, जानती हैं हालत जान को टोमोग्राफी के लिए लेकर गए हैं। दुआन और जुनेद भी यहीं मौजूद हैं। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? कौन सा हॉस्पिटल है, आ रही हूँ मैं भी। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, मुझे बताती रहना, मुझे फिक्र रहेगी। जमाल। कोमल साहिबा। क्या हुआ? मैं उन्हें दोबारा होटल देखने के लिए गया था, वहाँ हंदान साहिबा जमीन पर गिरी हुई थी, उन्होंने दवाई की पूरी बोतल खा ली। क्या? एम्बुलेंस बुला ली है मैंने। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ।
दुआ करें कि हम वक्त पे पहुंच जाएं। क्या कह रहे हो और क्या मतलब कि वक्त पर पहुंच जाएं? कोमल साहिबा, बहुत ही बुरा हुआ है। कौन से हॉस्पिटल ले जा रहे हो? आ रही हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? मैं एम्बुलेंस पे बैठकर आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुझे याद दिलाना, जिस लड़की ने मेरे नाखून खराब किए उसे नौकरी से निकालना है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपने देखा, ये सुनकर कोमल साहिबा कितना घबरा गई हैं। अरे जमाल, चलो अब वक्त जाया नहीं करो, अपना काम शुरू करते हैं। खाली कैप्सूल दो मुझे। एम्बुलेंस को कॉल की तुमने? थोड़ी देर में आ रही है। चलो तमाशा शुरू करें। बाबा कॉल उठाएं। आपकी बेटी की मां मौत के मुंह में और आपको यिल्दिज के बच्चे की पड़ी है। ओए, मेरा बच्चा आ गया, ये ठीक है ना? कुछ भी नहीं है, कहा था ना मैंने। देखा तो ऐसी फिक्रमंद थी। ठीक है ना ये? बाकी की रिपोर्ट्स कल आ जाएंगी, लेकिन परेशानी की कोई भी बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ओह शुक्र है। जमाल कैसी हैं वो? उनके पेट को साफ कर दिया गया है, अब वो पहले से बहुत बेहतर हैं। वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हैं, मुझे हैरत हो रही है जमाल। बल्कि वो तो बहुत ही बहादुर बनती हैं हमेशा। एक कल के आए शख्स ने उन्हें धोखा क्या दे दिया, तो इसका मतलब वो खुद की जान ले लेंगी। पैसे तो उन्हें मैं दे सकती थी जमाल। ऐसा नहीं है कोमल साहिबा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो उन्हें तंग करता है। जैसे कि? जिस आदमी ने खानदान साहिबा को धोखा दिया। हाँ, उस शख्स को आलिया साहिबा और यल्दिज साहिबा ने हायर किया था। क्या? ठीक है अम्मी की जान, ठीक है, हम लोग घर आ गए। ठीक है। ओह मेरी जान, यल्दिज कहाँ थी तुम? कॉल भी नहीं उठा रही थी, कब से परेशान हो रही? परेशानी में आपको बताना भूल गई थी। ओ मेरा प्यारा बच्चा, मेरी जान। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा है कि हम इसका ख्याल रखें। हाय, नजर लग गई है मेरे प्यारे बच्चे को, नानी की जान। आसमा साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हाले जान बिल्कुल ठीक है। मेरा बच्चा। अरे माँ होना बहुत मुश्किल काम है, मुझे तो दिल का दौरा पड़ जाता। हाँ, औलाद की फिक्र क्या होती है पता चला? हाय मेरी प्यारी अम्मी जान। मेरी प्यारी बेटी। कोमल घर पे है क्या? हाँ, यल्दिज को कॉल इसीलिए कर रही थी मैं। जमाल की कॉल आई थी, इसलिए वो खानदान से मिलने के लिए चली गई है। जमाल ने क्यों कॉल? मुझे नहीं पता, पहले कहा कि गायब हो गई हैं, फिर कहा कि बीमार हो गई हैं, मिलने जा रही हूँ मैं। सिर्फ कहने की बात है, कुछ नहीं है ऐसा। कोमल की तवज्जो हासिल करने के लिए कर रही है सब कुछ। अम्मी की जान तुम नानी के पास रहो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। हाय मेरी जान साहब। हाँ मुराद, क्या हुआ? खानदान साहिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या 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 मतलब? परेशान मत हो, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया। आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हैं अम्मी? ठीक है अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन मेरे बारे में तो सोच लेती। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं, किसी को भी नहीं है मेरी जरूरत। फजूल बातें मत करें। जब से मैं यहां आई हूं सब चाहते हैं कि मैं वापस चली जाऊं। अम्मी हमारे दरमियान जो मसाइल थे वो हल हो चुके हैं, और जबकि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है, तो आपको इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी? समझ में नहीं आ रहा, आप जैसी औरत खुद की जान कैसे ले सकती है? मुझे बेवकूफ बनाया गया है कोमल। यिल्दिज और आलिया है इसके जिम्मेदार। वो फीदो बहुत ही करीबी दोस्त था आलिया का। दरअसल वो तो एक धोखेबाज था। जब आलिया को ये अंदाजा हो गया तो उसने यिल्दिज के साथ मिलके ये सारा खेल रचाया। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है बेटा। अम्मी आप क्या कह रही हैं? उसने जाने से पहले मेरे लिए एक खत छोड़ा था, उस खत में उसने सब कुछ बता दिया बेटा। पागल हो जाऊंगी मैं, आखिर किस तरह के लोग हैं ये? पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे ये लोग। मैं वापस लौट जाऊं इसलिए यिल्दिज ने ऐसा किया मेरे साथ। यिल्दिज आपको यहाँ से भेजने वाली आखिर होती कौन है? फीदो बहुत अच्छा और बड़े दिल का आदमी था, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसे आपने सारे इख्तियारात कैसे दे दिए? उसने कहा उसके कुछ दुश्मन हैं, मदद मांगी थी मुझसे, उसने लौटाने का वादा किया मुझसे। और भरोसा कर लिया क्यों? मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी कोमल बेटा। पहली बार किसी के लिए अहम होकर बहुत खुश थी मैं, लेकिन सब कुछ झूठ था। उसने मेरी सारी की सारी दौलत हथिया ली, अब क्या करूंगी मैं? बस ठीक है, चुप हो जाएं। हम ये मामला संभाल लेंगे और उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा देंगे। बेटा लेकिन उससे क्या हो जाएगा, वो सारे पैसे लेकर तो फरार हो गया।
कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? वो तो यहाँ रहता भी नहीं था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना आपके साथ। मेरी जान, तुम्हें इस वक्त अपने बाबा की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में आओ। मेरी अम्मी के साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता। उन्हें उनकी औकात मालूम होनी चाहिए। ये तुम क्या कर रही हो कोमल? बाबा पे शदीद गुस्सा है मुझे। उन्हें मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ इस हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन वो यिल्दिज के साथ है उसके बच्चे की खातिर। आखिर ये किस तरह का पागलपन है, किस तरह की मोहब्बत? सुकून हो जाओ बेटा, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो यकीनन मुझ पर गुस्सा करेगा, मुझ पर इल्जाम लगाएगा। मैं थक चुकी हूँ बेटा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, समझ गई आप? यहाँ से छुट्टी के बाद आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी और कोई बहाना नहीं। रोना बंद करें, संभाले खुद को। यहां आए। यिल्दिज, हालिजान को सुला दिया तुमने? हाय, बहुत मुश्किल से सुलाया उसे। हाय मेरा प्यारा बच्चा, एक बात बताऊं तुम्हें, मुराद दुआन की बातें सुन ली मैंने। खानदान को कुछ नहीं हुआ, कोमल के साथ घर आ रही है वो। अरे यानी वो मरी नहीं है? नहीं, अभी तक जिंदा है वो। वो खुद की जान नहीं ले सकती, ड्रामा कर रही है वो। वो खुद की जान ले ले, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, बस ड्रामा कर रही है ताकि वो यहाँ आ सके। मैंने तो उसे किसी से मिलवा भी दिया है, वो उसके साथ रह सकती है ना। यिल्दिज बात सुनो मेरी, कहीं तुम्हारी जिंदगी पे असर ना पड़े। क्यों पड़ेगा मेरी जिंदगी पे असर? मैंने थोड़ी कहा था खुद की जान लेने के लिए। मुझे नहीं पता अचानक ये दोनों मामलात कहाँ से आ गए, एक तरफ हालिद जान और दूसरी तरफ खानदान। खुश आमदीद, अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया इसकी। दरवाजा बंद मत करना, ड्राइवर सामान लेकर आएगा अम्मी का। इसकी ऐसा करो कि अम्मी को कमरे में लेकर जाओ, ठीक है? मैं आती हूँ, आप जाकर आराम करें। बाबा क्या घर पर है? जी कोमल साहिबा। कोमल, मेरी वजह से किसी से बहस मत करना तुम। आप बेफिक्र हो जाओ, जाकर आराम करें, ठीक है? आराम से इसकी, आराम से। कोमल तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुमने हॉस्पिटल से मुराद को भी वापस भेज दिया। आप थे कहाँ? हाँ क्या मतलब? मेरी अम्मी लापता थी और आपसे मदद भी मांगी, और मुझे जैसे ही अम्मी का पता चला मैंने आपको कॉल की, मगर आपने मेरी कॉल नहीं उठाई क्योंकि मेरे बाबा तो दूसरों के बच्चों के मसाइल हल करने में मसरूफ थे। कोमल बहुत हुआ, बस करो। मौत के मुंह में थी मेरी अम्मी, हॉस्पिटल जाते वक्त मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और आप यिल्दिज को संभाल रहे थे उस वक्त। हाँ, डॉक्टर्स मौजूद थे और मुझे उनसे बात करनी जरूरी थी। और रही बात तुम्हारी माँ की, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया है बाबा। डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, उनकी जो उस वक्त हालत थी वो अपनी आंखों से देखी थी मैंने। इस वक्त वो ऊपर है, अगर आपको बुरा ना लगे तो जाकर देख लीजिएगा। रुको जरा, मुझे नहीं पता था कि इतनी खराब तबीयत है उसकी कोमल। जाहिर सी बात है, होगा भी कैसे, जिस शख्स ने मेरी अम्मी को धोखा दिया था ना। हाँ, उस आदमी को यिल्दिज और आलिया ने भेजा था उनके। क्या मतलब, क्या बकवास कर रही हो? हाँ, बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। आलिया जिस फीदो नामी शख्स से मिलती थी वो वही था। आपकी जो बेहतरीन बीवी यिल्दिज है ना, उसने मेरी अम्मी की दोस्ती करवाई थी उससे। वो जानती थी कि वो चोर है लेकिन फिर भी उससे मिलवाया। कोमल बकवास बंद करो। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरी अम्मी ने बताया। यिल्दिज आपसे आमिर का कहकर उस फीदो नामी शख्स से मिलने गई थी बाबा, यानी उसने आपसे झूठ बोला था। उसकी तो जिंदगी ही झूठ पे चलती है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। यिल्दिज ऐसा कभी नहीं कर सकती। या अल्लाह मुझे सबर दे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अम्मी के सामने उस फीदो नामी शख्स की बहुत तारीफ की उसने, ताकि वो उसकी तरफ खिंची चली जाए। आलिया के साथ मिलकर ये खेल रचाया, और जब वो मेरी अम्मी को छोड़कर चला गया तो उनके लिए एक जिल्लत भरा खत छोड़ कर गया। यकीन ना आए तो पूछ ले जाकर। ठीक है। कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं।